अस्सलामुअलैकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह कर दिया। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भारतीय कांग्रेस रहनुमा नवजोत सिद्धू और दीगर शख्सियात की शिरकत। हुकूमत पाकिस्तान ने 11 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में करतारपुर राहदारी मुकम्मल की और गुरुद्वारे को दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बना दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुना दिया। मस्जिद की जमीन हिंदुओं के हवाले करते हुए मरकजी हुकूमत को मंदिर तामीर करने का हुक्म दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राजन गंगोई की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। 5 रुकनी बेंच में मुसलमान जज अब्दुल नजीर भी शामिल थे। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद के मतनाजा फैसले पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह है और फैसला भी आज के दिन ही सुनाया गया। इससे पता चलता है कि ये बीजेपी की साजिश है। वजीर खारजा का मजीद कहना था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है और मोदी की सियासत नफरत की सियासत है। मुसलमानों के लिए आजाद मुल्क का ख्वाब देखने वाले और इंसानी रूह बेदार करने वाले मुफ़क्किर पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का आज 142वां यौम पैदाइश मुल्क भर में अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। हर साल 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में शायर मशरिक अलामा इकबाल के यौम पैदाइश को यौम इकबाल के तौर पर मनाया जाता है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्व मुसर्रत मौका पर DPO ऑफिस रेस्क्यू दफ्तर में चिरागा का खूबसूरत मंजर। आका की विलादत के पूर्व मुसर्रत मौका पर चन्योट के सरकारी और गैर सरकारी दफातर को खूबसूरत बरकी चिरागों से सजाया गया, जिनमें DPO ऑफिस, DC ऑफिस रेस्क्यू 1122 और TM में शामिल है, जबकि शहर भर में खूबसूरत और दिल फरेब नज़ारे एक अजीब समा पेश कर रहे हैं। हर सू आका की आमद मरहबा मरहबा की आवाजें गूंज रही हैं। घोटकी के नवाही शहर में कई सालों से बंद अस्पताल की बहाली के लिए जारी एहतजाज, शहरियों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। शहर और मजाफाती इलाकों में रहायशियों को सेहत की बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने वाला मरकजी सेहत गुज़श्ता कई सालों से बंद है, जिसकी बहाली के लिए शहरों ने 18 रोज से मुसलसल एहतजाज करने के बाद शहर में शटर डाउन हड़ताल कर दी, जिसके बाद शहर में कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल। दूसरी जानिब शहरियों ने अस्पताल की बहाली के लिए मामूल के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरा और अलामती भूख हड़ताल भी की। शहरियों का मुंतखब अवामी नुमाइंदे और आला हुकाम से अस्पताल की फौरी बहाली का मुतालबा। न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।